एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज कार्बन इज इक्वल टू 40%, हाइड्रोजन इक्वल टू 6.66% एंड ऑक्सीजन 53.3%। वॉट इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? देखो बेटा, कार्बन की परसेंटेज 40 दी है, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 3.33। हाइड्रोजन की 6.67 दी है, इसे भी इसके एटॉमिक से डिवाइड कर दो, 6.67 आएगा। ऑक्सीजन की 53 पॉइंट दी है, 3.33। अब देखो, एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए मोल रेशो है, हमें चाहिए होता है अगला स्टेप सिंपल मोल रेशो, सबसे छोटी वैल्यू ना उससे तीनों को डिवाइड करेंगे। अब देखो, ये दोनों ही छोटी हैं, तो 3.3 को 3.33 से डिवाइड करें, 1 कार्बन का 1 आ गया, 6.67 से करें हाइड्रोजन का 2 आ गया, और यहाँ भी कितनी है 3.33। 3.33 को जब हम 3.33 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया? C1H2O1। यही क्या हो गया बच्चों हमारा? लिमिटिंग रिएक्टेंट की ना वीडियोस मेरे चैनल पे बहुत मिल जाएंगी, अमीन एजुकेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट करेंगे तो 7.6 ग्राम कार्बन सल्फाइड के रिएक्ट कर रहे हैं विद 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये इक्वेशन दी हुई आपसे, कह रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो कोई बड़े मुश्किल मेरी मैजिक याद है, लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए देखो ये होता है गिवन वेट, कार्बन सल्फाइड का 7.6 है, इसको कार्बन सल्फाइड के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, पहला ऑप्शन कितना आ गया 0.1। अब 0.1 को फर्दर किससे डिवाइड कर दो? यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स हैं, जब कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। 0.1 को 1 से डिवाइड करो, 0.1 ही रहेगा। ये तो किसका निकला है बच्चों? कार्बन डाइसल्फाइड का। अब जरा ऑक्सीजन का देखो, O2 कितना दिया है? 12 ग्राम। और खाली O2 की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32। भाई ऑक्सीजन का 16 होता है तो O2 का 32 होता है, 12 को 32 से डिवाइड करो, 3/8 या 0.375 आ गया। लेकिन बच्चों अब फर्क है, अभी एक स्टेप और करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए, वो क्या? जी, नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ दिए हैं 3। तो 3/8 को या तो 3 से डिवाइड कर दो, ऐसे डेसिमल में पहले ट्रांसफ़र कर लो 0.375, फिर 3 से डिवाइड करो, खैर दोनों सूरत में आंसर आएगा 0.125। अब 0.1 और 0.125 में छोटा कौन है? ऑफकोर्स 0.1 छोटा है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा यहाँ पे? कार्बन डाइसल्फाइड, यही पूछा था इन्होंने। फिर दोबारा समझ लो, गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड पहला स्टेप, जो आंसर आए उसे नंबर ऑफ मोल से डिवाइड। गिवन वेट कितना है ऑक्सीजन का? 12 दिया है, O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32, डिवाइड किया 0.375। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3 है, 3 से डिवाइड कर दो 0.125। छोटी वैल्यू कौन सी है? ये वाली। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कौन सा होगा? ये वाला, ये आंसर। देखिए ये कितनी मिस्टेक्स होती हैं टेस्ट में, 1 एटमॉस्फेयर ऑफ गैस इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द प्रेशर इंक्रीज टू डैश, जबकि एक्चुअली ये 2 एटमॉस्फेयर था, जहाँ से इन्होंने छापा है सवाल वहाँ से मैंने जब वैल्यूज देखी, एट डैश डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये भी डैश नहीं दिया हुआ, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी चेंजेस फ्रॉम डैश DM³ टू डैश DM³, अब ये भी गलत है, ऑफकोर्स 1 DM³ टू 2 DM³। ये जब मैंने ओरिजिनल जहाँ से इन्होंने छपाई की है देखा, अब इससे अंदाज़ा कर लें कि क्वेश्चन तो गलत है। V1 P1 upon T1 बराबर होता है V2 P2 upon T2 के, V1 P1 दोनों 1-1 है, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, 273 प्लस करते हैं, V2 तो चाहिए, P2 2 है, T2 50 में 273 प्लस करो, मैथ्स के रूल के तहत ये प्लस हो गया 323 वो, और उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड किससे करेंगे? 298 से। बेटा ये 2 भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखो अंडरस्टूड सी बात है कि ऑप्शंस आपको दिए हैं 3, 7, 4 और 0.54, तो आप सिंपल सा क्या करोगे यार, जब इसको इससे डिवाइड करोगे 1.08 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 0.54, यही आपका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू, तो केल्विन में 0 होती है, सेंटीग्रेड में -273.16 होती है, फॉरेनहाइट में -460 होती है, इस जैम में यही दिया हुआ था और यही देते हैं आमतौर पर, लेकिन पता होना चाहिए फॉरेनहाइट में -460 होती है, कल गला को आ जाए। उसके बाद एक ये MCQs पहले देख लें, वाटर राइजेज इन कैपिलरी ट्यूब बिकॉज ऑफ,
एडहेसिव फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल एक्सिट कोहेसिव फोर्स। अब ये होती क्या एडहेसिव? बेटा अब इधर देख लो, मॉलिक्यूल की वॉल ऑफ कंटेनर के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे एडहेसिव कहते हैं, और मॉलिक्यूल की आपस में जो हो उसे कोहेसिव कहते हैं। तो जब एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएं कोहेसिव से तो क्या होता है, वाटर क्या होता है, राइज होता है। वाटर क्या होता है, राइज होता है। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इन्फ्लुएंस वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड टेक प्लेस। तो करेक्ट आंसर है आउटसाइड प्रेशर। क्या आउटसाइड प्रेशर कितना है? ज़ाहिर है हमारा कराची में कुछ और है, मरी पे कुछ और हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पे कुछ और हो। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम यील्ड। यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, ज़ाहिर है, ऑफ अमोनिया थ्रो हैबर प्रोसेस। तो यार एक तो इक्वेशन पता होनी चाहिए कि हैबर प्रोसेस की, ये इक्वेशन होती है डेल एच नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो इंडस्ट्री में हमेशा प्रोडक्ट चाहिए और एक्सोथर्मिक है तो अंडरस्टूड सी बात है टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। अब ऑप्शन में इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जिनमें एक ऑप्शन टेम्परेचर इंक्रीज का है, वो तो हो ही नहीं सकता, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। देखो प्रेशर भी डिक्रीज नहीं होता क्योंकि प्रेशर डिक्रीज करने पर तो वहाँ जाते हैं जब नंबर ऑफ मोल्स आता हो, हमें तो राइट चाहिए नंबर ऑफ मोल्स कम, तो प्रेशर इंक्रीज। तो वैसे बस ऑप्शन के लिहाज से देखें तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर, हाँ अगर इंक्रीजिंग प्रेशर का भी ऑप्शन होता तो ये भी होता। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो करेक्ट आंसर होगा द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जी हाँ, ये इक्वली तब होते हैं जब बैकवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड। देखिए रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन 0.53 एंगस्ट्रॉम, विच ऑर्बिट हैज़ रेडियस ऑफ 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो देखो क्लास में मैंने रटवाया था पूरा कि रेडियस का फार्मूला होता है एन स्क्वायर 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ ऑप्शन है 1, 2, 3। सोचो 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4.77 आए, तो ऑफकोर्स एन 3 होगा। क्यों भाई? क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 को अगर खाली 0.5 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, 4.5। चूँकि 0.53 है तो क्या होगा, 4.77। देखो n 1 तो होने से रहा, 1 होता तो ये होता, n 2 होता तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें 2 पॉइंट समथिंग है, और अगर n 4 होता तो 4 का स्क्वायर 16, फिर तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती। तो ऑफकोर्स आंसर क्या होगा, 4.77 एंगस्ट्रॉम। फिर भाई यहाँ ये कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ ओनली वन ओरिएंटेशन इन स्पेस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई वन ओरिएंटेशन ना सिर्फ एस की होती है, क्यों, पी की होती हैं 3, डी की होती हैं 5 और एफ की होती हैं 7, तो खाली एस की 1 होती है, एस की खाली। फिर कह रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, 1836 इलेक्ट्रॉन, 1836 न्यूट्रॉन, और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए। तो भाई ये तो बिल्कुल बेसिक है, एक प्रोटॉन कितने के बराबर होता है, 1836 इलेक्ट्रॉन के। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज डिफरेंट इन Na+1, Na का हमें पता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, Mg+2 हमें पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, और Al+3 है ये, ठीक है, अल्मोनियम का हमें पता है 13 होता है। तो ज़रा ध्यान से देखो बेटा, Na+1 हो चाहे Mg+2 हो और Na+3 हो, Al+3 हो, इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे, 10 होंगे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। शेल कितने रह जाएंगे, 2, ये भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी सेम हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, जो न्यून की होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या चीज़ डिफरेंट होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इसमें 12 प्रोटॉन, अल्मोनियम में 13, सोडियम में 11, प्रोटॉन तो चेंज नहीं हुए ना, तो क्या चीज़ डिफर होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन। याद रहे जब इलेक्ट्रॉन सेम हो तो आइसो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, नंबर ऑफ शेल भी सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होती है। एक चीज़ जो डिफरेंट होती है जो पूछिए वो होगा नंबर, नेचर ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड मॉलिक्यूलर फोर्स। तो मेरे भाई वंडर वॉल फोर्स होती है, क्योंकि ये एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है, तो ये होल्ड करती है। अब देखो आयनिक बॉन्ड में कौन सी करती है, ऐसे करके देखो ना, जैसे कि पॉजिटिव होगा उसकी 6 की 6 साइडों पे नेगेटिव होगा, और नेगेटिव की 6 की 6 साइडों पे पॉजिटिव होगा। कोवेलेंट
ऐसे शेयरिंग हो रही होती है, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग एक पेयर की। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो HF का ही असली बॉन्ड है, ये असली है, ये असली है। ये जो डॉटेड लाइन है ना, फिजिकल बॉन्ड HF को शो कर रही है, ये शो किसको कर रही है, HF को। तो करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंडरवॉल फोर्स, नेचर ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड मॉलिकुलर फोर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वंडरवॉल फोर्स। फिर देखो कह रहे हैं, व्हाट इज़ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो होती है डेल ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये तो बहुत हमने पढ़ा है। इसी तरह कह रहे हैं व्हाट इज़ डेल एच इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, योगा एच इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी, और यही आंसर है। कह रहे हैं कि मैक्सिमम शो ऑप्टिमम बिटवीन 37 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इट हाउ एवर वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है इट लॉस एक्टिविटी परमानेंटली अबव 50 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ये बड़ा है मैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। देखो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है। कैसे देता है कि देखो ये होता है सेकेंडरी अल्कोहल, OH जिस कार्बन से अटैच है ना, ये दो और कार्बन से होगा। तो ऑक्सीडेशन का लब है कि K2Cr2O7 और कंसनट्रेटेड H2SO4 में इसको मिला दो। ये ओ एक हाइड्रोजन यहाँ से तोड़ता है, एक यहाँ से तोड़ता है, खुद तो बना लेता है, मम्मा मानी। अब देखो ये एक वैलेंस से खाली हुई, तो ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH3 दोनों अपनी जगह रहेंगे, और ये क्या बन जाएगा, केटोन बन जाएगा बेटा। फिर क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अमाइनो एसिड। तो देखो जो ऑप्शन दिए हुए उनमें से एक स्पार्टिक एसिड था जो अमाइनो एसिड था। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ यूनिट जब सेकेंड इनवर्स हो। देखो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने की ट्रिक ये होती है, dx अपॉन dt अपॉन a फर्स्ट ऑर्डर में, ऊपर मोल पर डी एम क्यूब सेकेंड, a का मोल पर डी एम क्यूब, ये कैंसिल हो जाता, आंसर आता है सेकेंड इनवर्स। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द आयनिक रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आयनिक रिएक्शन क्या होते हैं, वेरी फास्ट। फिर मेटलिक प्रॉपर्टी की बात हो रही है ग्रुप में, पी ब्लॉक एलिमेंट में। देखो ये जो ग्रुप 3 है इसमें 4 हैं, फिर इसमें 3 रह जाएंगे, फिर 2 रह जाएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो करेक्ट बहुत है मैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन एसीटोन इज ऑक्सीडाइज। एसीटोन ऐसे होता है ऑक्सीडाइज, हमेशा ये किससे होगा, K2Cr2O7 और कंसनट्रेटेड H2SO4, हाइड्रोकार्बन और बेंजीन के अलावा। अब बेटा देखो इसके नतीजे में एक तो बनता है एसिटिक एसिड, और बायो प्रोडक्ट क्या होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब एसिटिक एसिड तो इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम इसका क्या है, ऑक्टा डेका अपना IUPAC नेम क्या है, इथानोइक एसिड, ऐसे इथानोइक एसिड। तो वहाँ जो ऑप्शन दिया था पेपर में उन्होंने क्या दिया था, इथानोइक एसिड। तो एसिडिक एसिड भी दे सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि भाई ऑप्शन ए हो एसिडिक एसिड और हो जाए बी में इथानोइक एसिड और बोथ एन बी। तो बहुत आसान है, ये देखो ऐसे होगा ये रिएक्शन, ठीक है बेटा। ये कह रहे हैं ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी डन टू प्रोड्यूस एसीटोन। तो बेटा बेहतर तो ये होता है कि इसका रिएक्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं कहता हूँ बस याद रखो कि एसीटोन की प्रिपरेशन का एक मेथड है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। वैसे अगर समझना है तो समझ भी सकते हो, ये फार्मूला होता है कैल्शियम एसीटेट का, यहाँ कैल्शियम O के साथ C00CH3, फिर यहाँ C00CH3। और एसीटोन का फार्मूला कैसे होता है बेटा, ऐसे होता है। तो क्या होगा बेसिकली, यहाँ का CH3, यहाँ का CH3 और ये COCH3 मिलके एसीटोन बना लेंगे। अब देखो बचेगा क्या, एक CA बच रहा है, एक C बच रहा है, तीन O बच रहे हैं, यानी बायो प्रोडक्ट क्या होगी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बस सिंपल यार याद रख लो भाई इसको कि ड्राई डिस्टिलेशन कैल्शियम एसीटेट की क्या प्रोड्यूस करती है, एसीटोन। तो इसको हमेशा याद रख लो बस कि ड्राई डिस्टिलेशन जब भी होगी कैल्शियम एसीटेट की क्या प्रोड्यूस होगा, एसीटोन। विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इंटू एसिडिक एल्डिहाइड।
बड़ा ही तगड़ा एमसीक्यूज है। अब आखिरकार इथाइल अल्कोहल होता क्या है? C2H5OH, ठीक है, ये एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, और जिसके साथ एक OH लगा है तो उसके साथ सिर्फ दो हाइड्रोजन होंगे। और बनाना क्या चाह रहे हैं भाई? एसीटैल्डिहाइड, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन दरमियान में एक तरफ CH3 एक तरफ H, ठीक है। IUPAC नेम इसका इथानल है, एसीटैल्डिहाइड यानी एक एल्डिहाइड जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, एक तरफ R हो एक तरफ H हो। अब ये बनेगा कैसे? ये बनता है डीहाइड्रोजनेशन से। डीहाइड्रोजनेशन कैसे होगी? निकल और कॉपर कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगी। कैसे आए देखते हैं। देखो बेटा, जब हम निकल कॉपर मिलाएंगे तो इधर का एक H और यहाँ का भी एक H, कोई सा भी, आप बोलो सर ये और ये भी हो सकते हैं, हाँ ये भी हो सकते हैं, एक बचेगा, ये दोनों निकल जाएंगे। H2 का निकलना डीहाइड्रोजनेशन कहलाता है। अब देखो, ये ऑक्सीजन के भी एक वैलेंसी फारिक, कार्बन के भी फारिक, आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो आपसे पूछा ये था कि इथाइल अल्कोहल से जो एसिड एल्डिहाइड बनाते हैं ये प्रोसेस क्या कहलाता है? तो भाई ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? डीहाइड्रोजनेशन। Which of following will give iodo form reaction on treatment with Na2CO3? बड़ा ही धांसो सवाल था भाई। और I2 यानी आयोडीन। देखो मेरे भाई, आपसे बात हो रही है कि आयोडो फॉर्म रिएक्शन तो यार मशहूर है ज़माना। कॉमन नेम है इसका एसीटोन, IUPAC नेम है प्रोपानोन यानी केटोनिक क्रोम। तो बेटा ये तो रिएक्शन बनाई है मैं, एक तो इससे बनता है ये जिसे आयोडो फॉर्म कहते हैं, सोडियम आयोडाइड बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मम्मम मानी। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन एसीटैल्डिहाइड इज हीटेड विद ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर ऑफ K2CrO27 कंसनट्रेटेड H2SO4। यार एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होता है ना तो कार्बोजेलिक एसिड बनता है। आए ज़रा ऑप्शंस देखते हैं, एक तो मीथानोइक एसिड दिया है, एक मीथानल दिया है। मीथानॉल तो नहीं बनेगा ऑफकोर्स, मीथानोइक एसिड ही बनेगा। अब ये बनेगा कैसे आए देखते हैं भाई। मीथानोइक एसिड एक कार्बन का है तो एक कार्बन वाला ही एल्डिहाइड हम लेंगे। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होता है? मीथानल, इसका IUPAC नेम होता है, फॉर्मल्डिहाइड इसका कॉमन नेम होता है। जब ऑक्सीडेशन करेंगे ना, देखो ये चार वैलेंसी पूरी है तो वो कहाँ आएगा भाई? इस C और H के दरमियान में आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की भी चार वैलेंसी पूरी है, ऑक्सीजन की एक यहाँ कार्बन के साथ हो गई, एक हाइड्रोजन के साथ हो गई, और ये बन गया मीथानोइक एसिड, ठीक है। मीथानोइक एसिड यानी कार्बोजेलिक एसिड, क्योंकि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पे हमेशा बनता है क्या? बनता है कार्बोजेलिक एसिड। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा यहाँ जनाब, कह रहे व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 हैज एसिड, द प्रोडक्ट फॉर्म इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, व्हाट इज दिस रिएक्शन इज कॉल्ड? ऑफ कोर्स फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट में भी कौन सी अल्काइलेशन? देखो कुछ ऐसे होता है, ये है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एक ब्रांच के साथ है। जब भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है होता क्या है, देखें बात सुने। ये Cl यहाँ के H को अलग करेगा हमारा, ठीक है, और फिर इस तरह ये लग जाएगा। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? क्यूमीन कहलाती है। फिर एक और बेंजीन की है, बेंजीन इज सब्जेक्ट टू, पहले अल्काइलेशन करनी है, फिर नाइट्रेशन, फिर ऑक्सीडेशन, प्रोडक्शन क्या बनेगी। तो देखो अल्काइलेशन में हुई, मैंने बात बताई थी AlCl3 की मौजूदगी में Cl तो अलग हो जाएगा H को लेके, ठीक है, टाइम ज़ाया ना करें, फ़ौरन देखें CH3 अलग क्या। नाइट्रेशन, अब देखो ये पुराना ग्रुप जाहिर करेगा कि किस पोजीशन पे। अल्काइल ग्रुप हमेशा भेजता है ऑर्थो पैरा, ऑर्थो होती है बराबर वाली, पैरा होती है अपोजिट साइड। तो नाइट्रेशन में एक NO2 यहाँ गया, एक यहाँ, नाइट्रोबेंजीन बन गया। फिर करनी है ऑक्सीडेशन, तो देखो जब KBNO4 से ऑक्सीडेशन करेंगे टॉलिन की, तो हमेशा COOH बन जाएगा। अब COOH के एक बराबर में NO2 है यानी ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और एक सामने तो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रोबेंजोइक। विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन एक्सेस ऑफ इथाइल अल्कोहल
एस्ट्रेटेड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट लो टेम्परेचर। एल भाई बहुत प्यारी है एमसीक्यू से ये भी। आखिरकार पूछ क्या रहे हैं यार, देखो ये ध्यान से देखो, C2H5OH हमारे पास बेसिकली विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन एक्सेस ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में क्या मिला रहे हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो भाई सल्फ्यूरिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है, हाइड्रोजन की वजह से दिमाग बैठा लो, सल्फर की वजह से सल्फोनेटिंग, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन एक होती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बोले तो मम मम मानी यानी वाटर निकालना, ठीक है बचपन में कहते हैं ना पानी को मम मम मानी, ठीक है बेटा। तो अब ये क्या होता है, कैसे निकलेगा आप देखो बात सुनो, इथाइल अल्कोहल यानी दो मॉलिक्यूल हम लेते हैं, ठीक है दो। अब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन निकलता है गायब हो जाता है और दूसरे वाले का OH भी निकलता है। अब क्या होगा, ये वाला O लिंकेज करके इसको ऐसे बना देगा ऐसा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, डाइएथाइल ईथर। भाई इधर ही खिलाएगा ना ऑक्सीजन के आर आर। तो ये बड़ी अच्छी ट्रिक है बिठा लो कि जब भी इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल में कंसनट्रेटेड H2SO4 होगा किसी में भी, तो हमेशा क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, ठीक है ईथर बन जाएगा। यहाँ चूँकि इथाइल अल्कोहल था दो कार्बन वाला तो डाइथाइल ईथर बन गया, अगर यहाँ क्या होता प्रोपानॉल तो डाई प्रोपाइल ईथर बन जाता। क्योंकि देखो दो इथाइल अल्कोहल थे, एक का H और एक का OH, अलग हो गए डिहाइड्रेशन हो गई, ये सिचुएशन रह गई, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा। देखिए कह रहे विच पेयर ऑफ एलिमेंट मार्कली डिफर फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप, और ऑप्शन में लिथियम बेरिलियम सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम कैल्शियम सीजियम बेरियम। तो प्यारे बच्चों जहन में रखो लिथियम और बेरिलियम, देखो ये ग्रुप 1A का, ये 2A का और इनका पीरियड है सेकेंड, सोडियम 1A का मैग्नीशियम 2A का पीरियड 3, पोटेशियम ग्रुप 1A का, कैल्शियम का क्या होता है ग्रुप 2A पीरियड 4, सीजियम 1A बेरियम 2A पीरियड 6। तो सब में ये बात तो कॉमन है कि ये 1A का ये 2A का है सेम पीरियड के भी हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, डिफर क्या है, लिथियम बेरियम स्मॉलर साइज होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी सबसे डिफरेंट होती है। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्ड, तो देखो बेटा बात सुनो, ऑप्शन में एक तो सोडियम क्लोराइड है जो कि प्लस माइनस यानी आयोनिक बॉन्ड बनाता है, फिर पोटेशियम क्लोराइड ये भी प्लस माइनस आयनिक बॉन्ड बनाता है। भाई ग्रुप 2A आ जाए ग्रुप 1A आ जाए और इनके साथ हेलोजन्स हो तो अंडरस्टूड है आयनिक बॉन्ड होगा, तो सिर्फ एक ही बच रहा है और वो क्या बच रहा है डायमंड। और हम सबको पता है डायमंड क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, या बेस्ट एग्जांपल जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की देते हैं तो किसको लिखते हैं, डायमंड को लिखते हैं। भाई MCQs आई थी सुपर ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट हैज़ फार्मूला। अब ऑक्साइड होती कैसे हैं, एक तो होती है नॉर्मल ऑक्साइड जिसकी वैलेंसी होती है -2, लेकिन एक होती है सुपर ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है -1/2। अब कौन कौन बनाते हैं जनाब, पोटेशियम भी बनाता है उनमें से 1A का। अब पोटेशियम अगर बनाता है तो भाई ग्रुप 1A वाला है, इनकी अपनी वैलेंसी तो +1 होगी, और ज़ाहिर हम सुपर ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो क्या होगी -1। +1 ये और -1 ये, तो फार्मूला कैसे लिखा जाएगा ये तो पूछ रहे हैं ना। तो मेरे प्यारे बच्चों कैल्शियम फ्लोराइड जब होता है तो कैल्शियम की +2 होती है, फ्लोरीन की -1 होती है, हम क्या लिखते हैं हमेशा फार्मूला क्रॉस में बनता है, 9 क्लास की केमिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं, कैल्शियम पे +2 है ये कहाँ आ जाएगा फ्लोराइड के साथ, फ्लोराइड का -1 है कहाँ आ जाएगा यहाँ, +1 नहीं लिखेंगे बस C1F2 बन गया। तो वैसे भी हमें ये करना चाहिए, 1 को उठा के इधर लिख देना चाहिए, हाफ को उठा के इधर लिख देना चाहिए, लेकिन मेरा बच्चा फार्मूले को तो इस तरह नहीं लिखा जाता। अगर ये हाफ है तो इसे हम हाफ को ख़त्म करेंगे, क्या करेंगे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ K1 आ जाएगा या O2 यानी KO2 फार्मूला होगा। अब यहाँ पे इन्होंने किस सूरत में दिए हैं, सबको MM करके दिए, तो जनरल फार्मूला हो जाएगा MO2, भाई देखो ना KO2 तो MO2, ये सारे ऑप्शन दिए थे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा MO2, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। देखिए कह रहे हैं कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज़ एन एग्जांपल ऑफ,
तो मेरे भाई ये क्लोरो आइसोप्रोपाइल का मतलब है कि डायरेक्ट ब्रांच होगी, ये कार्बन अल्फा कहलाता है, इससे डायरेक्ट अटैच कितने कार्बन हैं, दो हैं तो 2 डिग्री सेकेंडरी होगा, अगर एक होता तो 1 डिग्री प्राइमरी होते, 3 होते तो 3rd डिग्री टर्शरी होता। फिर कह रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन बाय केमेनोफोर द प्रोडक्ट इज, के एमेनोफोर से जब करेंगे बच्चों, तो बता चुका हूँ ऑक्सीडेशन जब भी होगी यहाँ COOH आएगा और ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगी बेंजोइक एसिड। IUPAC नेम पूछ रहे हैं क्लोरोफॉर्म का, तो देखो क्लोरोफॉर्म CaCl3 इस तरह होगा, एक ही कार्बन है तो मेथेन, और कितने क्लोरो हैं इसके साथ, 1, 2, 3, तो ट्राई क्लोरो मेथेन, ठीक है, 1-1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1-1-1 ट्राई क्लोरो मेथेन, ऑफकोर्स 100% सी बात है, ये क्या कहलाएगा ट्राई क्लोरो मेथेन। IUPAC नेम ऑफ अल्फा बीटा डाइमिथाइल वेलेरिक एसिड, वेलेरिक एसिड का लगभग कितने कार्बन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब एक बड़ी अहम बात सुनो बेटा, ये जो कॉर्नर वाला है ना, ये COOH है, कैसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है ये कॉर्नर वाला, कॉमन नेम में COOH के जो बिल्कुल बराबर है उसे अल्फा कहते हैं, उसके बराबर बीटा फिर गैमा, तो क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा डाइमिथाइल, यानी अल्फा पे CH3 है और बीटा पे CH3 और 5 का है तो पेंटेनोइक एसिड है। तो IUPAC में इसका नेम क्या हो जाएगा, IUPAC में देखो अल्फा बीटा नहीं होता बल्कि क्या हो जाता है 2,3 डाइमिथाइल, और वेलेरिक का मतलब होता है 5, तो 5 के लिए IUPAC में क्या लफ्ज़ यूज़ होता है, पेंटा, तो इसको हम क्या कहेंगे 2,3-डाइमिथाइल पेंटानोइक एसिड। वैसे ही बड़ा अच्छा सवाल है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP रिसीव टू बर्न 500 DM³ क्यूब ऑफ इथेन, देखो बेटा ऐसे होता है ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन है आपकी, और से देखो 1 मोल इथेन का 3 मोल दे रहा है ऑक्सीजन का, 1 मोल जब 3 मोल दे रहा है तो 1 DM³ भी 3 DM³ दे रहा होगा, डायरेक्ट रिलेशन होती है STP पे, तो अगर ये 500 दे रहा है तो क्या करोगे, 500 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 1500 DM³। भाई देखो बड़ा आसान है, इसका 1 मोल है, इसके कितने मोल हैं, 3, 1 मोल इसके 3 मोल दे रहा है तो 500 कितने देंगे, 500 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 1500। देखें पूछ रहे हैं IUPAC नेम ऑफ स्टेरिक एसिड, अब स्टेरिक एसिड देखो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है C17H35COOH, इसका कोई और नाम भी होता है जी हाँ, इसको ऑक्टा डेकानोइक एसिड के भी कहते हैं, तो IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टा, क्यों, देखो 1 और 17 कितने कार्बन होगा, 18, 8 के लिए ऑक्टा आता है, 10 के लिए डेका आता है। इस जम में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देख लो, पाल्मिटिक, पाल्मिटिक का मतलब क्या होता है, 16, अगर पाल्मिटिक पूछा जाएगा ना तो मैं क्या लिखूँगा, ऑक्टा की जगह क्या हो जाएगा, हेक्सा, भाई 6 के लिए क्या आता है, हेक्सा, हेक्सा डेकानोइक एसिड। तो फिलहाल इन्होंने पेपर में क्या पूछा था, स्टेरिक एसिड का, तो स्टेरिक एसिड का क्या हो जाएगा, ऑक्टा डेकानोइक एसिड, ऑक्टा डेकानोइक एसिड जो कि कितने का हो जाएगा हमारा, 18 का, ठीक है जी। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के मैग्नीज इन K2 MnO4, देखो पोटेशियम ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन हमेशा क्या होता है, +1, मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 से, आगे दिया हुआ है मैग्नीज, फिर है ऑक्सीजन जिसका क्या होता है -2, मल्टीप्लाई किससे कर दो, 4 से, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, -8, +2 +Mn-8=0, 2 में से 8 माइनस करो 6, इधर माइनस से उधर जाके +6, तो ये आ गया +6। बच्चों तुम लोगों का कोई कसूर ही नहीं है, इतनी मिस्टेक्स है ना इस बार आंसर की में कि बस। इन इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज व्हाट इज द इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज व्हाट इज द इलेक्ट्रोड ऑफ ऑल मेटल अबव हाइड्रोजन, ये इसकी हमने एक ट्रिक भी बताई थी उसको याद रखने की, कॉल मी ज़ेब्रा वगैरह करके, खैर बस इतना याद रखो कि मेटल्स अबव देन हाइड्रोजन होंगे तो हमेशा क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू, तो देखो एक ओपन चेन होंगे एक क्लोज चेन होंगे,
फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग आर द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। देखो टोटल तीन बनेंगे, अल्केन है पांच कार्बन का, एक तो है नॉर्मल पेंटेन विदाउट ब्रांच, एक ये बन जाएगा टू मिथाइल ब्यूटेन, लॉन्गेस्ट चेन चार की है, सेकंड पे ब्रांच है टू मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पर देखो पांच को कैसे बनाएंगे, ये तीन दो ब्रांचें कर देंगे, टू टू डायमिथाइल प्रोपेन, फिर कर देंगे आइसोमेरिज्म जो होता है प्रोपानोल और एसीटोन में कौन सा होता है। देखो ये है एसीटोन, ये प्रोपानोल, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6 होता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है और ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये भी हमने बहुत कराया था क्लास में, ठीक है बच्चों। तो गलती तुम लोगों ने कोई नहीं की है, इनके आंसर कीज ही गलत है। और ये प्री प्लांट एक साजिश होती है हमेशा, ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ होता है और ये जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह नॉन लीनियर, ऑप्शन में से करेक्ट। देखिए बड़ा अच्छा एमसीक्यूज है, वैलेंस शेल ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 4s2 4p1, टू विच ग्रुप डज द एलिमेंट बिलोंग। तो मेरे भाई बात यह है कि पी ऑर्बिटल का 4s2 4p1 का ग्रुप होता है 3a। फिर कह रहे कि कैल्शियम जिसका नंबर 20 दिया हुआ है, क्लोरीन का 17 दिया है, तो कह रहे हैं जो फार्मूला है कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा, तो भाई ये होगा, ये तो बहुत ही लंबा सवाल था। फिर कह रहे हैं CO2 और SO2 की बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, तो देखो CO2 होता है लीनियर, कैसे भाई ऐसे करके, ठीक है ये लीनियर है, इसके बरक्स SO2 सल्फर यूं करके ऑक्सीजन लगे होते हैं एंगुलर शेप में, ना सिर्फ एंगुलर होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोलर भी होता है, तो SO2 एंगुलर भी हो जाएगा और साथ साथ पोलर भी हो जाएगा। फिर हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं इथीन में, तो इथाइन में, ठीक है, तो जितने भी अल्काइन हैं इनमें हमेशा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, SP होती है, SP हाइब्रिडाइजेशन। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन KP और KC इक्वल, KP और KC तब इक्वल होते हैं जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हों। हम ऑप्शंस में से देख लेंगे कि किस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर। देखिए कह रहे हैं एलिमिनेशन, द एलिमिनेशन रिएक्शन इन बिटवीन अल्कालाइड इन ए स्ट्रॉन्ग बेस टेक प्लेस बाय मैकेनिज्म E1Na2, हाउ मैनी स्टॉप आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई देखो ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, एलिमिनेशन जो होती है E1 की हमेशा टू स्टेप होती है, ठीक है टू स्टेप होती है, इवन SN1 भी टू स्टेप होती है जो सब्सटीट्यूशन है, और इसी तरह E2 वन स्टेप होती है, इसी तरह SN2 भी वन स्टेप है। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शियरी अल्कालाइड, बेटा देखो ध्यान से, इसका करेक्ट आंसर है 2-bromo-2-methyl-butane, क्योंकि देखो ब्रोमो जिस कार्बन के साथ होगा उसके साथ कम से कम तीन कार्बन और होंगे तभी तो टर्शियरी या 3 डिग्री होगा, ये देखो अल्फा कार्बन कहलाता है और बाकी सारे क्या कहलाते हैं, बीटा कहलाते हैं, ये गैमा वाले की तो बात ही नहीं करेंगे हम, हाँ अलबत्त स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ होगा। तो जो ऑप्शन दिए हुए थे इसकी एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताऊँ बेटा, तभी पॉसिबल है कि हेलोजन और मिथाइल सेम हो, यानी 2-bromo-2-methyl, 3-bromo अगर होता ना तो वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता था, या अगर यहाँ मिथाइल 3 पे और ब्रोमो 2 हो, हेलोजन और ये मिथाइल सेम कार्बन पे होंगे तब भी टर्शियरी 3 डिग्री हो सकता है। देखें कह रहे हैं कि लीजन डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन जो है ये एग्जांपल किसकी है, बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट पेंटाडेंटेट या हेक्साडेंटेट, तो देखो ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और तीन लोन पेयर, तो ये क्या होगा ट्राइडेंटेट, डेंटेन से मुराद या तो लोन पेयर होंगे या नेगेटिव चार्ज होगा। देखो जैसे कि यहाँ देख लो मोनोडेंटेड में NH3 होता है क्योंकि इसमें एक लोन पेयर होता है, बायडेंटेड में इसी का भाई इथाइलिन डायमाइन, याद रहे ये इथाइलिन ट्रायमाइन है, इथाइलिन डायमाइन बायडेंटेट होता है। और देखें ये जो दिखा है ना EDTA हेक्साडेंटेट इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, ये हेक्साडेंटेट होता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर यहाँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या हो जाएगा आपका,
ट्राइडेंटेट, ठीक है, ट्राइडेंटेट। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल, होल्स प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन इन ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। तो बिल्कुल जनाब, यहाँ होल्स होते हैं और यहाँ इसके दरमियान में क्या होते हैं, हाइड्रोजन, और ये होते हैं टाइटेनियम हाइड्रोजन 1.73, ठीक है। ये चीज़ कहलाती है ऑक्ल्टेड हाइड्रोजन। फिर ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम हाइयर टू लोअर, ये हाई टू लो में जा रहे होते हैं, ठीक है, हाई टू लो में जा रहे होते हैं, हाई टू लो में जा रहे होते हैं तो कलर बनते हैं। देखिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए था, होल्स प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस, इसकी वजह से बनते हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियल। लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या दिया था, ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम हाइयर टू लोअर, हाइयर टू लोअर का से इंटरस्टिशियल का कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी वजह से कलर होते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में एक बार इसी एमसीक्यूज को उल्टा पूछा था कि कलर का क्या रीज़न है, तो वो ये रीज़न है। इसी तरह एक ऑप्शन दिया था प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जनाब इसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ऐसे अनपेयर करते करते पेयर आ जाए, लाइक आयरन वगैरह। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर कल कला को पूछे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का रीज़न, तो है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड। इसी तरह आ जाए कॉम्प्लेक्स होने का रीज़न क्या है, तो आंसर होगा ए स्मॉल हाईली चेंज आयन और वेकेंट क्रिस्टल इन सूटेबल एनर्जी, ये रीज़न होगा, ऐसे लीजेंड्स होते हैं।